सौ भाषाओं के ज्ञाता हैं और आज तक इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने जिस जमीन पर अपने पांव रखे, जहां जहां ये गए, ये वहां 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 की भाषा में बात की। मैं चाहता हूं कि आज लटिया में आए हैं तो आप लोगों को ये लटिया की भाषा में बात करें, और लटिया की क्या भाषा है आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लटिया की भाषा में आदरणीय सावा, पूरे परम पूज्य सावा जी से वार्तालाप करें, एक बार जोरदार ताली कर दे करके आप खुद ने बुला लीजिए। सबसे शुरू में मैं भगवान बुद्ध ने प्रकाशित किया श्रेष्ठ संदेश सूत्र का राजा है, इनका नाम सद्धर्मा पुंडरीका सूत्र। भगवान बुद्ध का इस संदेश है जापान तक पहुंच गए। इस जापान की ओर से इस महा धर्म सम्मेलन का मेरे तरफ से, जापान तरफ से आशीर्वाद प्रार्थना सबसे पहले देना चाहता हूं। थोड़ा समय धर्म गुंडी का आवाज और सद्धर्म गुंडी का विश्व शांति विश्व धर्म विजय का प्रार्थना सुन लीजिए। क्या कर रहे हैं? माइन जापान में पैदा हुआ बुद्धा भिक्षु, फिर भी मेरा उमर 19 के समय भारत भयभार आया। अभी 45 इयर्स का मेरा आयु है, भारत भूमि में दान किया। क्या बात, ये छोटी बात नहीं, अपना इतना आयु भारत भूमि में देने का क्या कारण है। भारत सारे दुनिया का श्रेष्ठ धर्म गुरु का भूमि है। सारे मनुष्य के सामने भगवान बुद्ध ने भारत भूमि में फायदा हुआ और धर्म चक्र प्रवचन किया और अनुत्तरा सम्यक संबुद्धि प्राप्त किया। क्यों? ये ज्ञान है 2500 वर्ष के बाद आज ही सारे दुनिया के लिए जरूरी है। भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया ज्ञान है, ये आज ही चाहिए, सारे मनुष्य के लिए प्रकाशित होना चाहिए। शुरू हुआ भारत भूमि से, इसलिए मेरा जीवन धर्म गुरु का भूमि में दान किया। बुद्ध शक्यमुनि प्राप्त किया अनुत्तरा सम्यक संबुद्ध, प्राप्त होने के पहले इतना बोधिसत्व क्रिया संपूर्ण आचरण करके बुद्ध भी बोधिसत्व के समय अपना जीवन छोड़ा। बहुत बार चढ़ के बुद्ध होने के पहले संसार का महा शक्ति माला का शक्ति
माला का राजा का शक्ति है उससे विजय हुआ जीता। इसके बाद ही केवल बुद्ध शक्या मुनि ही अनुत्तर सम्यक संबुद्धि प्राप्त करके सारे मनुष्य के सामने ज्ञान मार्गदर्शन कर दिया। बुद्ध शाक्या मुनि शाक्या का संत है, शाक्या का संत आज ही का शाक्या कहां है? मैं सारे दुनिया में रिसर्च किया, शाक्या है नेपाल में है, भारत में है, केवल इतना नहीं है, सारे सेंट्रल एशिया में भी, जापान में भी, यूक्रेन में भी, सारे रशिया कोकासस में भी शाक्या रूप होता। इस शाक्या नरो लोगों के अंदर से भारत में बुद्ध शाक्या मुनि निर्वाण होके संसार का माला का शक्ति को तोड़ दिया, विजय हुआ। इस विजय आज ही के लिए जरूरत है जो बुद्ध ने प्रकाशित किया, प्रचार किया, धर्म परंपरा है, संपूर्ण भारत का संस्कृति परंपरा का सबसे महान परंपरा होता है। जब तक भारत में भगवान बुद्ध का ज्ञान परंपरा संपूर्ण प्रवृत्ता नहीं होएगा तब तक सच्चा भारत नहीं हो सकता। सारे दुनिया के लिए इस ज्ञान परंपरा को प्रवृत्ता करना है वो आप लोग है, आप लोगों के सिवा कोई नहीं। इसके बाद राजा अशोक, राजा अशोक का इतिहास है। बुद्ध धर्म प्रचार होने के बाद जो बुद्ध का संदेश को सारे दुनिया में प्रचार सबसे पहले किया राजा, सारे इंडिया को एकता किया और महायुद्ध का शक्ति को छोड़ के सच्चा धर्म विजय का युग है। दुनिया में ऐसा इतिहास कहां भी कभी भी नहीं है। इस इतिहास है पहले का नहीं, आज ही चाहिए। कैसे सारे विश्व में धर्म विजय स्थापना हो सकते हैं आज का? पूरा भारत एक धर्म विजय मार्ग होना चाहिए और भारत से सारे एशियन देशों का जो जनता है इसको एक सच्चा धर्म मार्ग के अंदर में एकता होना चाहिए। सारे विश्व में जो अशोक राजा ने किया, अशोक राजा खुद भारत के कोने कोने में धर्म यात्रा करके भगवान बुद्ध का सारे पवित्र स्थान में दर्शन किया, खुद पदयात्रा किए राजा होते हुए। पहले सेनाओं के साथ युद्ध के लिए सेनाओं के साथ चढ़ते रहा युद्ध का विजय, लेकिन भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त मार्ग को स्वीकार करने के बाद सारे विश्व में धर्म विजय का नया इतिहास शुरू किया है। वो इतिहास है आज ही स्थापना करना चाहिए। इसके लिए पूरा भारत में धर्म विजय का एक लाजा स्थापना होना चाहिए और सारे एशियन देशों को एकता बनाना चाहिए धर्म विजय का नाम से, विश्व शांति का नाम से। राजा अशोक खुद पूरा भारत में धर्म यात्रा किया, स्तूपा बनाया,
अशोका श्रेणी बना के सब जनता को भगवान बुद्ध का धर्म प्रचार किया। इतना नहीं, अशोका राजा ने आज ही का सारे दुनिया है, ग्रीक कहा है, इजिप्ट कहा है, चाइना कहा है, सारे साउथ एशिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान, इजिप्ट, ग्रीक तक धर्म महामात्र को भेजा। धर्म महामात्र को धर्म अम्बेसडर अकेला नहीं गया। आप लोग कभी सोचा धर्म महामात्र है इंडिया से ग्रीक इजिप्ट तक गया, कैसे गया पता है? कौन सा रास्ता है? आज ही का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, यूक्रेन है, ग्रीक है, फिरश है, ताकि इसराइल है, वहां तक धर्म महामात्र धर्म युद्ध भी युद्ध का सेना नहीं, धर्म विजय के लिए हजार महामात्र है, धर्म यात्रा किए है। अब सोचिए ऐसा आवाज दुनिया में कभी हुआ कि नहीं? आज ही धर्म विजय का आज सारे दुनिया में फिर उतरने के लिए आप लोग यहां इकट्ठा हुआ है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा गलत हिंदी है, माफ कीजिए, अंग्रेज जबानी में भाषा करना अच्छा लगता है, फिर भी कच्चा हिंदी से मेरा दिल से आपको इतना कहा, क्योंकि अपना भूमि सारे मनुष्य है, अपना भूमि को प्रणाम करने का भी नहीं है, फायदा हुआ। अब अभी दुनिया में नया इतिहास बनाओ, ये अब तक काम बोधी सत्व काम है। आप लोग सब बुद्ध के पीछे, अशोका के पीछे बोधी सत्व होना चाहिए। मैं इतना प्रार्थना करके मेरा छोटा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।